हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। तो आइए, मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ भारती भवन बुक से बेलन चैप्टर, जो चैप्टर 15 है बेलन, ठीक है ना, सिलेंडर, उसी चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन करा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते ध्यान से, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, खाली जगह को भरना है। तो दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो में, ए और बी। तो पहले ए को देखते हैं। कहते यदि किसी बेलन का व्यास ए हो, यानी कोई बेलन है उसका व्यास क्या है, ए है, और ऊंचाई एल है, तो बेलन का आयतन निकालना है। यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है, तो आयतन निकालना। बहुत आसान है, देखिए ए नंबर को सोल्व करते हैं। चलिए लिखेंगे बेलन का व्यास, जिसको डी से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका त्रिज्या निकाल लीजिए, यानी रेडियस। त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डी बाई टू, यानी व्यास का आधा। तो व्यास हमारा ए है, तो ए बाई टू हमारा क्या हो गया आपका, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया ए बाई टू। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर आपका दिया हुआ है l इकाई, ठीक। तो आपको r और h दोनों पता है, तो आराम से आयतन निकाल सकते हैं। अतः बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होगा, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान जब तक दूसरा ना कहा जाए 22/7 रखना है, ठीक है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में पाई को पाई ही छोड़ दिया गया, इसका कोई वैल्यू पुट नहीं करना है, तो पाई का पाई ही रहने दीजिए। अब आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना है, ए बाई टू, उसका कर देंगे स्क्वायर, और इनटू में एच है, तो एच कितना है, एल है, एल ही रहेगा, तो बराबर पाई हो जाएगा। और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और एल का एल, और दो का स्क्वायर दो दूनी क्या हो जाएगा, चार। तो यही आपका हो गया घन इकाई, यही आपका क्या निकल गया, आयतन निकल गया। तो आयतन में आप यहाँ पर ये भर सकते हैं। चलिए बन गया है, आप आराम से आंसर भी इसका देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का पाई ए स्क्वायर एल बटे फोर, ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, बेलन का जो आधार होता है बेस, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका बेलन है, ठीक है ना, ये बेलन, इसी शेप को हम लोग बेलन कहते हैं। तो बेलन का जो बेस होता है ना, ये वाला, ये वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है, ठीक है ना, एकदम गोल रहते हैं, तो वृत्ताकार। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो फिर से बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है ना। तो ये भी बन जाएगा। चलिए इसको आप कॉपी राइट कर लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में बहुत आसान है ये भी, जैसे फर्स्ट समझ गया है, सेकेंड में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है उसमें, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बी, टू का बी, इसमें लिखेंगे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्थात वृत्त, बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और वो दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 45, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 गुने
आर स्क्वायर बराबर 45 या आर स्क्वायर बराबर 45 गुने 7/22 इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा। इसलिए आर बराबर अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा ना, स्क्वायर हटे तो रूट। अब इसको गुना कीजिए 45 को 7 से, 7 × 5 = 35 के पास है अपने 3 और 7 × 4 = 28 और 3 = 31 315 ठीक है ना, बटे में हो जाएगा 22। ये आपका आर का वैल्यू निकल गया अंडर रूट 315/22। इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई h जो है वह दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 लिख लें ठीक है। अतः आराम से बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, इधर स्पेस नहीं इधर लिख रहे हैं, फॉर्मूला वही से पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ठीक है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और गुने आर का स्क्वायर है, आर कितना अंदर रूट 315/22 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और गुने में एच है, एच कितना है 10 ठीक, तो हो जाएगा 22/7 और गुने आपको पता है जब स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर पे तो रूट हट जाता है, यहाँ पर आ गया 315 और बटे में क्या हो गया 22 गुने 10 का 10 कोई डाउट। अब देखिए 22 से 22 कट गया, कट गया ना, अब इसको चलिए गुना कर देते हैं तो 315 को 7 से कट जाएगा, मैं भी देख रहा है 7 × 4 = 28 और 3 × 7 = 35 कट जाएगा, देखिए 7 से काटेंगे 7 × 4 = 28 4 यहाँ तक आ गया 3 और 35 5 × 7 = 35 यानी कि 45 और गुने हो गया 10 यानी कि 450 ठीक है और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन जो है हमारा किस में निकलता है क्यूब में, तो आराम से समझ गए होंगे ये आर जो है ना इसको रूट में ही छोड़ दे रहा है क्योंकि स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, यहाँ पर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है ठीक है ना। इसका चलिए आंसर देखते हैं, यहाँ पर देखें 450 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया होगा, तो आराम से उतार दें स्टूडेंट्स, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए यदि आप नए नए हैं, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर से आप हमारे चैनल को पहले विजिट कीजिए, चैनल को देखिए समझिए। ये चैनल का मकसद है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जो मैथ नहीं समझते हैं या किसी भी कारण से वो मैथ का क्लास नहीं कर पाते हैं या जिनका सोच है कि मैथ में कुछ अच्छा करूं, वो सभी को मद्देनज़र रखते हुए चैनल को बनाया गया है। तो यदि आप मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, अगर मैथ में आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल में केवल सिलेबस के अलावा आप ट्रिक की क्लास जान सकते हैं, ट्रिक के द्वारा बोर्ड मार्क्स कैसे सॉल्व करें या बहुत सारे चीज जो है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए मास्टर स्ट्रोक के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।